आप ऐसी तस्वीरें लगभग एक हफ्ते से देख रहे हैं कि भगवाधारी रैली निकालकर जबरदस्ती मुसलमानों के इलाके में घुसते हैं और मुसलमानों की मस्जिद और इमामबाड़े के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाकर डीजे पर मुसलमान समुदाय को नीचा दिखाते हुए उल्टे सीधे जुमलों के साथ गाने चलाते हैं और उसके बाद दंगा भड़काते हैं और उसके बाद कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ ही होती हुई नजर आती है। खुल्लम खुल्ला ऐसे बाबाओं की अब तस्वीर और स्पीच सामने आ रही है जो सीधा हिंसा की और मुसलमान महिलाओं के खुल्लम खुल्ला उनके साथ बलात्कार करने की धमकियां दे चुके हैं, लेकिन FIR कई दिन बाद होने के बावजूद अभी तक वो बाबा गिरफ्तार नहीं है। आप ये बात देख रहे हैं, सोच रहे हैं और अब समझ भी चुके हैं कि अब जितनी भी रैलियां हिंदू समाज की तरफ से, हिंदू संगठन की तरफ से निकल रही हैं, उन रैलियों का मकसद अब भगवान श्री राम और हिंदुत्व नहीं, उन रैली का मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों की मस्जिद पर अटैक किया जाए। आप सभी ये बात जानते हैं कि पिछले कई हफ्ते से और महीनों से आप देख रहे हैं कि मुसलमानों पर हमले बढ़ चुके हैं। हिजाब को लेकर बवाल किया गया, मीट बैन को लेकर बवाल किया गया, मुसलमानों का बायकॉट लेकर बवाल किया गया, हर चीज में मुसलमानों के खिलाफ। अरे हद ये हो गई कि सब्जियों पर भी बवाल शुरू किया गया, मुसलमानों से सामान नहीं लेना इस पर भी बवाल शुरू किया गया। दोस्तों आप और हम खामोश रहे और वो बात हो गई जिसका हमें अंदेशा था, डर था। अब जितनी देर से उठोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। अब आपको बता दूं कि सिर्फ मस्जिद नहीं, जहां पर गरीब मुसलमान अकेला पड़ा हुआ है उसके साथ क्या हो रहा है। ब्लूप्रिंट मैंने आपको बताया था, एक और ब्लूप्रिंट बता रहा हूं इनका। यह हिंदूवादी संगठन इलाके के मजबूत हिंदुत्व वाले इकट्ठा होते हैं, जमीन पर जाकर मुसलमान की जमीन पर मूर्ति गाड़ देते हैं भगवान की और कब्जा कर लेते हैं। यह हुआ है आपकी स्क्रीन पर, इस शख्स को देखिए। 6 अप्रैल को डुमरियागंज निवासी मोहम्मद इस्लाम की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। इस्लाम ने कहा कि गुहार लगाई, FIR करी, शिकायत करी, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। इसके बावजूद इन्होंने बताया कि हम पर जानलेवा हमला भी किया गया। अब जरा आप इनकी वीडियो देख लीजिए। इतना ही नहीं, एक तो हमला भी किया गया, देखिए क्या हाल कर दिया गया इनका, इनकी जमीन भी इनसे छीनी गई। अब आप तस्वीर देख लीजिए उनकी जमीन पर, ये देखिए भगवाधारियों ने, भाजपाइयों ने मूर्ति जमा दी है। जी हाँ, हालांकि पुलिस ने बताया है कि हमने कार्रवाई इटावा थाने में कर दी गई है और जो है न्यायालय में भेज दिया गया है, गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बहुत बढ़िया काम किया है सिद्धार्थ नगर की पुलिस ने। अगर इसी तरह से ईमानदारी से सिद्धार्थ नगर जैसी पुलिस ने काम किया, देश की पुलिस करे, सिर्फ सिर्फ न्याय करे, पक्ष विपक्ष ना देखे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर जांच करे भारत की। अब इन सभी मामलों पे कार्टूनिस्ट सतीश आर्या का बहुत बेहतरीन कार्टून हमारे नजरों में आया है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहले साधु क्या कहते थे, साधु के पास जाते थे लोग, हाथ जोड़ते थे और कहते थे हमें आशीर्वाद दीजिए, लेकिन अब साधु क्या कहता है चीखता हुआ, रेप देम, बलात्कार करो, उनका बलात्कार करो। और खुद हिंदू बेटी बेटियां जो अपने पिता के साथ ऐसे साधु के पास जाती हैं, उनके दिल से पूछिए, वो कह रही होगी ना रहने दो। भले ही कितना ही आज हिंदुओं को भड़का दिया गया है, लेकिन मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं, खुदा की कसम, कोई भी हिंदू लड़की कभी ये नहीं कहेगी, चाहे उसको कितना भी तुमने चढ़ा दिया हो, दिल से कभी नहीं कहेगी कि हाँ मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करो खुले में, ये हिंदुत्व है, कभी नहीं। आप लोगों से, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, देश को टूटने से रोक दो, ये नफरत की हवा को रोक दो। सुन लो, एक कोरोना ने पूरी दुनिया का नुकसान कर दिया है और शायद आने वाले वक्त में कोरोना का इलाज मिल जाए, लेकिन इस नफरत का इलाज अगर आज नहीं ढूंढा तो नहीं मिलेगा कुछ भी इसका इलाज, मारे जाएंगे हम सभी, ये याद रखिएगा।